एक घंटे ये बताओगे या दूसरा कंटिनेंट आया जल्दी आ लो। बेहद दिलचस्प तस्वीर दिखती है जब दो विरोधी नेता एक साथ दिखे। राकेश टिकैत जी हमारे बड़े भाई हमारे साथ उनका पूरा आशीर्वाद हमारे साथ विरोधी बीजेपी के साथ ही आप राकेश देखो यही खासियत यहाँ की यहाँ पे आपस में पार्टी बेस पे कोई आपस में टकराव किसी का नहीं होता, सब एक दूसरे से मिलते हैं। जवाब नहीं लेना चाहते आप जवाब और हम आपस में जवाब घर में हमारे भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, ये प्रिया संगठन चलाते हैं, इनका इनके पूरे परिवार का इनकी नींद का मुद्दों को लेकर क्या मतदान तो भाई करना चाहिए सबको, मुद्दे भी नहीं होंगे मतदान तो जब भी करना चाहिए। हम 5 साल तक आवाज उठावे आगे 5 साल का प्रोग्राम बनाते हैं तो वोट सबको करनी चाहिए, वोट का संविधान में हमको अधिकार दिया है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अभी आपने कोको वाली बात कही वोट को भाई कोको इनकी वोट लेकर चली गई, बीजेपी वालों की वोट लेगी कोको, ठीक है, और उसका पता चलेगा 10 तारीख में कितनी लेकर गई और भाई कोको पे गई हुई वोट वापसी नहीं आती। अच्छा ठीक है साहब, क्या बदलाव होगा? हमें नहीं पता भाई बदलाव। अच्छा आपको क्या लगता है आंदोलन से फर्क पड़ेगा इस बार में? देखो हम तो अपने आंदोलन पर संगठन पर ध्यान देते हैं, नॉन पॉलिटिकल है, हम तो अपना वोट दे आए, अपना एक वोट था हमारा हम अपना दे आए, किसका बदलाव होगा क्या होगा हमें नहीं, हमें तो क्योंकि हर सरकार से बातचीत करनी पड़े तो हम कोई पार्टी नहीं बनना चाहते किसी के साथ। अच्छा किसान क्या आंदोलन को इस मतदान में याद कर रहा है? हाँ कर रहा है, याद तो कर रहा है, वो इनसे क्वेश्चन जरूर करता है सरकार के लोगों से। लेकिन मतदाता घर से बहुत कम निकल रहा है कर रहा है, यहाँ पे शहर में कम लोग रहे हैं, यहाँ पे तो ऐसा ही दिखे है ना, मतदान देखना तो गाँव में देखो, यहाँ तो कोठी बड़ी बड़ी है, बड़ा कपड़ा बार बार पड़ रहे, गाँव में रह रहे तो बुढ़े ठहरे रह रहे, यहाँ पे कहाँ रह रहे आदमी। योगी जी के ठंडक वाले बयान पर क्या कहेंगे? वो किसी पॉलिटिकल वाले को दिया होगा तो उसका जवाब तो वही देंगे, पॉलिटिकल आदमी कोई हम तो हमारे वाले उसमें मोबाइल ये फोन ले जाओ।